इवनिंग, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। रेडी मतलब फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया, थोड़ा सा काजल भी लगा लिया है। बिना काजल के ना मुझे सूनी सूनी आंखें लगती हैं, और थोड़ा सा भी काजल लगा लेती हूँ ना तो मुझे मतलब सही लगने लगता है। और वैसे तो ना बहुत सारे लोगों को वो सूनी सूनी आंखें भी अच्छी लगती हैं, मुझे भी कभी कभी खुद के ऊपर भी अच्छा लगता है और दूसरों के ऊपर भी अच्छा लगता है, बट ज़्यादा मुझे काजल लगाना ही पसंद है। मतलब जो लोग रेगुलर मुझे देखते हैं ना उनको पता होगा मैं कितनी बड़ी लवर हूँ काजल की, और थोड़े बहुत कंघी वंगी कर लिया है बस। तो फिर मेरा मन किया चलो मैं वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और मेन चीज़ क्या है ना, इतने सारे मुझे पिछले 2-3 वीडियो से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप करवा चौथ का फास्ट कैसे रखोगी। तो सच बताऊँ मतलब करवा चौथ के लिए इतना ज़्यादा मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अभी हाँ मतलब कितना डेढ़ डेढ़ महीना हो गया होगा आई थिंक, जो हरितालिका तीज वाला फास्ट था ना वो सबसे मिन्नतों वाला था, मिन्नतों वाला भी कह सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा टफ था वो वाला फास्ट, क्योंकि उसमें मतलब पूरा 24 आवर कुछ नहीं खाना होता है। इसमें तो फिर भी एक वो उम्मीद रहती है ना कि नहीं चलो रात में पूजा करने के बाद पूरा प्रॉपर खाना खाना है, और मौसम भी सही हो जाता है। मतलब करवा चौथ में अभी देखो ना ठंडी हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गई है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं आई है बट हाँ हल्का हल्का मौसम ठंडा हो गया है, चेंज हो गया है वेदर, तो इसमें इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि प्यास वाला भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तीज में तो गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है ना कि प्यास भी ज़्यादा लगती है, बट ठीक है फास्ट तो फास्ट ही है, थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है कि वो कैसे निकलेगा। और पता नहीं मैंने बताया स्टार्टिंग में कि नहीं, आज 22 तारीख है, परसों है 24 तारीख को, और पहले मैं सोच रही थी ना कि 26 तारीख को है करवा चौथ। पता नहीं एक बार मैंने कब देखा हुआ था गूगल में सर्च करके, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी कि 26 तारीख को है। फिर रिसेंट में मैंने कितने हाँ 8-10 दिन पहले देखा तो पता चला नहीं 24 तारीख को है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस बार मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने हाँ एक मेरे पास कई सारे लहंगा रखे हुए हैं, तो एक लहंगा मैंने सिलवाया हुआ है, तो आज अभी ये लेकर के आएंगे, देखते हैं लेकर के आते हैं या नहीं, वरना फिर कल मंगा लूँगी, यही पास में ही बुटीक है, और करवा चौथ वाला सामान भी मैंने इनसे मंगाया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या लेकर के आते हैं। चलते हैं बाहर और थोड़ी देर घूमते हैं, इनका वेट करते हैं आने का, क्योंकि अभी आने का टाइम ही हो रहा है, और आज इनको थोड़ा सा इसलिए लेट होगा ना, मैं क्या बोल रही हूँ जुबान मेरी लड़खड़ा आ रही है, थोड़ा सा इसलिए लेट हो जाएगा क्योंकि अभी सामान ज़्यादा लेकर के आना है, मतलब करवा चौथ वाला सामान भी लाना है और जो रेगुलर बेस पे यूज होता है वो भी लेकर के आना है, तो डबल डबल सामान हो जाएगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और मैंने ना खोवा भी मंगाया हुआ है, तो हम लोग घर में मतलब पेड़ा बनाएंगे करवा चौथ के लिए, तो या तो आज रात में ही बना करके रख लेंगे या तो फिर कल बना करके रख लेंगे, देखते हैं मूड के ऊपर है। बट मैंने इस बार डिसाइड किया हुआ है कि मार्केट से नहीं मंगाएंगे, घर में ही हम लोग बनाएंगे, और वैसे भी आजकल ना ज़्यादातर कोई फेस्टिवल होता है तो मैं घर में ही कुछ गुलाब जामुन है या बेसन का लड्डू है ऐसे टाइप का बना लेती हूँ, तो इस बार मेरा मन है कि पेड़ा भी हम लोग घर में ही बनाएंगे, तो देखते हैं लेकर के आते हैं या नहीं, लेकर के आएंगे वैसे बट हम लोग बनाते कब हैं ये देखते हैं। और मैंने ना अभी अपने पेड़ पौधों से जितनी भी मुरझाई हुई कलियाँ थी, जितनी भी मतलब वैसी थी ना खिली हुई कलियाँ रहती हैं ना फिर वो मुरझा जाती हैं, उन सबको हटा दिया है, और मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। मतलब अगर मैं बाहर निकलती हूँ ना कुछ पेड़ पौधों में करती रहती हूँ, या तो उनकी गुड़ाई कर देती हूँ या तो फिर जो मुरझाई हुई कलियाँ रहती हूँ उनको निकाल देती हूँ, अच्छा लगता है। और अभी मौसम ना बहुत सुहाना वाला हो गया है, मतलब लग रहा है कि हाँ ठंडी आ रही है, और
धूप भी ना अभी वो एकदम कड़क वाली नहीं दिखती है, अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आप 2-4 मिनट के लिए धूप में निकल भी आते हो दोपहर में, सुबह तो दिक्कत नहीं होती है। और घूमती हूँ अभी मैं थोड़ी देर, इनका वेट करते हैं। फिर रात के 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं लहंगा लेने और सामान लेने। मतलब वैसे तो ये था कि यही लेकर के आ जाएंगे, बट उसमें ना कुछ ब्लाउज में काम बचा हुआ था थोड़े से, तो फिर बोलें कि आप 1 घंटे बाद ले जाइएगा। तो ये बोले कि वहीं पास में ही ना फिर करवा का सामान भी मिल रहा है, करवा चौथ वाला जो पूजा का करवा वाला होता है, तो ये बोलें कि मिल रहा है पास में तो चलो तुम भी साथ में चली चलना और अपने पसंद का ले लेना कैसे क्या है, क्योंकि वैसे भी आदमियों को इतना समझ में आता नहीं है और इनको तो और ज़्यादा नहीं समझ में आता है, ये सब चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सामान खरीदने की। तो मैंने बोला ठीक है, अगर पास में मिल रहा है तो मैं भी चली चलूँगी और ले लेंगे। तो चलते हैं हम लोग, ये नीचे उतर गए हैं और मैं ना कैमरा ऑन करके बातें करने बंद करो, और मच्छर इतनी जल्दी यहाँ अंदर घुसते हैं ना, मतलब एकदम इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही गेट खुलता है ना तुरंत घुस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फोन बंद कर देती हूँ और उतरते हैं। इधर से चलना, पहले लहंगा लो, पहले करवा लो, पहले लहंगा लेना है, पहले करवा ले लेंगे फिर लहंगा उठा लेंगे। यहाँ पे अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। अभी आप लोग को दिखाऊं, हम लोग पहुंच गए हैं तो ये रोड के किनारे एकदम छोटू सा स्टॉल लगा हुआ था और जो हमें चाहिए था वो सामान रखा हुआ था, करवा वाला चलनी लोटा थाली, तो वो मैंने ले लिया है। और ये कुछ बैंगल्स वगैरह भी लगे हुए थे, पीछे इनकी दुकान भी है। और लास्ट ईयर तो मैं मेन मार्केट से जा कर के सारा सामान ले कर के आई थी, बट इस बार नहीं जा पाई, मजबूरी है। तो ठीक है, जब कभी कुछ मजबूरी होती है ना तो फिर हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और इनको देखो, मैं करवा का सामान ले रही थी और ये जा करके मोमोज ले आए, तो इनका मन था खाने का मोमोज, मेरा तो उतना मन नहीं था, बट ये फिर ले आए तो खा ही लेते हैं। मैं सामान लेने लगी और इनका मन नहीं माना, मोमोज ले आए, लेकिन सिर्फ एक प्लेट ही लाए हैं। एक प्लेट में कितना, 12 12 मिल जाता है, तो 3 मैंने ले लिया है, 3 पूजा ने और 6 मोमोज ये खाने वाले हैं। तो इनका ही मन कर रहा था मेन, तो हमने बोला ठीक है अब ले आए हैं तो हम भी फिर 2 2 3 3 खा ही लेते हैं। टेस्टी बहुत लगता है, लेकिन ये वाला मोमोज ना एकदम देसी अंदाज का रहता है, तो अगर आप थोड़े से मतलब कुछ डाइट वगैरह कर रहे हो या फिर कुछ वैसे है तो इसको उतना नहीं खा सकते हो, क्योंकि तेल मसाला इसमें रहता है अंदर। जैसे कुछ कुछ मोमोज रहते हैं ना कि बिल्कुल भी तेल मसाला नहीं रहता है, लेकिन ये ना हल्का सा देसी अंदाज में रहता है, तो तेल मसाला रहता है थोड़े बहुत, बहुत टेस्टी है। और पता है जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड मिल जाती है ना, मतलब आप उम्मीद नहीं करते हो और फिर मिल जाती है, तो उसका मज़ा ना दोगुना हो जाता है। सामान में लेकर के आ गई हूँ, तो मैंने सोचा लगे हाथ में आप लोग को दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले दिखाऊँ ये एक कैलेंडर लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये सबसे मस्ट होता है, ये और ये सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में, और कुछ हो ना हो। तो थाली है इसमें, इसको दिखाऊँ आप लोग को, पूरा मैंने सेट लिया हुआ है। और पिछली बार भी मैंने ऐसे ही ना सेट लिया हुआ था पूरा, उसमें भी लोटा था, चलनी थी और ऐसी वाली थाली थी, इसमें भी पूरा वही है। और कलर इस बार मैंने अलग लिया हुआ है, पिछली बार का पूरा रेड कलर था। और दिखाऊँ, लहंगा मेरा बन करके कंप्लीट हो गया है, तो इतने सारे लहंगा रखे हुए थे ना और मैंने कुछ भी नया मतलब ख़रीदा नहीं है इस बार, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इतने सारे लहंगे रखे हुए हैं इसको सिलवा लेती हूँ। और अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही मैंने ये लहंगा दिया हुआ था सिलने को, और जल्दी से उन्होंने सिल भी दिया है। मैंने बोला करवा चौथ में मुझे पहनना है, तो ब्लाउज आप लोग को दिखाऊँ, और इसमें डिजाइन बनी हुई थी ब्लाउज में, तो कुछ भी करना नहीं पड़ा है, और पीछे से कुछ इस तरीके से है ये डिज़ाइन, तो पहनने के बाद सही लगेगा। और अभी के साइज से मैंने बनवाया हुआ है, जो मतलब अभी का साइज मुझे लगता है, बट फिर भी एक बार मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा सही है या नहीं।
और चुनरी इसकी अंदर ही रखी हुई है, कोई मतलब नहीं है, तो जब पहनूंगी तब पूरा दिखेगा ये लहंगा। और हाँ एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने मीशो से चूड़ियाँ मंगाई हुई थी, बट थोड़ा सा मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। मैंने मंगाया हुआ था मतलब पीच कलर की चूड़ियाँ, इस कलर की, और आ गई मुझे रिसीव हुई हैं पिंक कलर की। तो पूरा सेट था और इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, तो मैंने पीच कलर की मंगाई हुई थी और ये डार्क पिंक में आ गए हैं। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं इनको रिटर्न करूं और फिर दूसरी मंगाऊं, वो इतना टाइम है नहीं। और ये जो वेलवेट की है ना पिंक चूड़ियाँ, मेरे पास ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी रखी हुई हैं और बहुत बार आप लोगों ने पहने हुए भी देखा होगा, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, आ गया। एक बार लग रहा है कि इसका कलर बहुत लाइट है ना लहंगे का, तो ये डार्क कलर अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज़ है कि मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर की चूड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, तो क्या कर सकते हैं, अब आ गया तो आ गया।